हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी इजी डेंटिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन ऑफ आरसीटी, जिसको हम क्लीनिंग एंड शेपिंग ऑफ रूट कैनाल भी बोलते हैं। आरसीटी के ऊपर वीडियोस हम सीरीज में बना रहे हैं, उसी सीरीज में हमारा फोर्थ वीडियो है बीएमपी। इसके पहले 3 वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन ऑफ आरसीटी। तो बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन के लिए जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी आज, उनको मैंने यहाँ पर अरेंज कर लिया है। मैं आपको पहले बता देता हूँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन के लिए हमको के फाइल्स और एच फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये के फाइल्स ऊपर देख रहे हैं आप इस रो में और एच फाइल हमने नीचे यहाँ पे जमाया हुआ है। के फाइल्स और एच फाइल्स का कलर कोडिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। इसके बाद हमको एक एक्सरे फिल्म लगेगी। बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन शुरू करने से पहले हम वर्किंग लेंथ लेते हैं कि किस पोजीशन तक हमको केनाल को प्रिपेयर करना है, क्लीन करना है, शेप देना है, तो उसके लिए हम वर्किंग लेंथ लेंगे। उसके लिए हमें एक एक्सरे लगेगा। इरिगेशन के लिए एक सिरिंज लगेगा जिसकी नीडल को हमने यहाँ से फोल्ड किया हुआ है, तो इरिगेट करने में हमको आसानी होगी। और जब हमारी बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में क्लोज ड्रेसिंग के लिए टेम्प्रेरी फिलिंग मटेरियल लगेगा, और सबसे मेन जिसमें हम आज समझेंगे प्रीमोलर टूथ, ये हमको लगेगा। ये वही टूथ है जिसमें हमने आपको पहले एक्सेस ओपनिंग समझाया था, फर्स्ट विजिट में क्या होता है वो समझाया था, इसी टूथ में आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं एक्सेस ओपनिंग डिस्क्रिप्शन से, तो ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। उसमें हमने उस वीडियो को एंड किया था ओपन ड्रेसिंग देकर, तो सबसे पहले हम ओपन ड्रेसिंग को रिमूव करेंगे। हम स्ट्रेट प्रोब की हेल्प से जो हमने कॉटन प्लेस किया था इसको हम रिमूव करेंगे और फिर कैनाल्स को एक बार इरिगेट कर लेंगे। हम आपको यहाँ पर बार बार इरिगेट करके नहीं दिखाएंगे, ये सभी को पता होता है। बस एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको इसमें नॉर्मल सेलाइन या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड लेना है, केनाल ओपनिंग में इसको प्लेस करना है और प्रेशर से आपको इरिगेट करना है। ये आपको हर इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद करते जाना है, जितनी बार आप फाइलिंग करेंगे आपको इरिगेट करते जाना है, जो ताकि जो डेब्रीज हैं वो बाहर आते जाएं और जब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन आप करें तो आपको आसानी हो, आपकी जो फाइल है वो आसानी से उसमें वर्क कर सके। बीएमपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितनी बार भी आप फाइलिंग करेंगे तो फाइलिंग करने के बाद इरिगेट तो करना ही है, और ये जो फाइल हैं इनको यूज़ करने से पहले हर बार आपको चेक करना है, ऐसा आपको पहले चेक करना है, इसके बाद आपको यूज़ करना है, क्योंकि फाइल ज़्यादा यूज़ होने से इनके जो टिप होते हैं ये वीक हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, तो इनका केनाल में टूटने का डर होता है। इसलिए आपको हर बार इसको चेक करना है और इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद एक कॉटन से या गॉज पीस से आपको इसको क्लीन करना है, फिर यूज़ करना है हर बार। तो ये आपको मैंने इसके बेसिक्स बता दिए। इसके बाद हम बीएमपी स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने इससे जो ओपन ड्रेसिंग प्लेस की थी उसको निकाल दिया है, इरिगेट कर लिया। अब हम वर्किंग लेंथ लेंगे। वर्किंग लेंथ क्या होती है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस पॉइंट एंड अपेक्स। जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, जो हमारे फाइल का स्टॉपर है इसको हमको एक रेफरेंस पॉइंट में सेट करना है जो कि कस्प होता है, और रेफरेंस पॉइंट हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको प्लेस करके दिखाता हूँ, ये एक रेफरेंस पॉइंट में हमने इसको सेट कर लिया, अब ये हमारा चेंज नहीं होगा। और वर्किंग लेंथ ये होगा कि रेफरेंस पॉइंट से अपेक्स तक, अपेक्स से 0.5 to 1 mm हमको शॉर्ट रखना होता है। जहाँ तक हम क्लीनिंग एंड शेपिंग करेंगे रूट कैनाल की, वर्क करेंगे, उसको हम वर्किंग लेंथ बोलते हैं। तो पहले समझ लेते हैं वर्किंग लेंथ कैसे हमको पता चलती है। तो वर्किंग लेंथ के लिए हम एक्सरे एक लेते हैं,
तो पहले आप जितनी भी कैनाल आपने सर्च की है उसमें आप फाइल प्लेस कर देंगे। एक में मैंने ये 10 नंबर की फाइल प्लेस की है, इसको 21 mm पे मैंने सेट किया है, और एक कैनाल में मैं 15 नंबर की फाइल प्लेस कर रहा हूँ, इसको भी 21 mm में मैंने सेट किया हुआ है। पेशेंट के माउथ में इसको ऐसे प्लेस करके रखना है और फिर एक एक्सरे ले लेना है। तो इसी टूथ का एक्सरे लेकर मैंने रखा हुआ है, मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये इसमें क्लियर नहीं दिखेगा, ये इसका एक्सरे है, इसको मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें दो कैनाल्स दिख रही हैं और इसमें एक में 10 नंबर की फाइल और एक में 15 नंबर की फाइल मैंने प्लेस की हुई है। एक कैनाल में आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट है अपेक्स से, और दूसरी कैनाल में ये बिल्कुल अपेक्स को टच कर रहा है। तो जो हमारी फाइल है, जो हमारी वर्किंग लेंथ है, वो 0.5 to 1 mm अपेक्स से शॉर्ट होनी चाहिए। तो ये जो आप एक देख रहे हैं जो थोड़ा सा शॉर्ट है, ये बिल्कुल सही है, इतना ही हमको रखना है। तो दूसरा वाला हमने दिखाने के लिए नीचे तक प्लेस की हुई है, तो जितना भी आपने मेज़र किया है उससे 0.5 या फिर 1 mm कम आपका वर्किंग लेंथ होगा। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बता दिया है, आप इस एक्सरे को अच्छे से देख लीजिए और रेफरेंस पॉइंट जो है हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, और जो भी वर्किंग लेंथ हमने एक्सरे लेने के बाद डिसाइड की है वहाँ तक हम इंस्ट्रूमेंटेशन करेंगे, फाइलिंग करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फाइलिंग कैसे करनी है हमको। ये मैं दोनों निकाल देता हूँ फाइल्स। तो जो भी हमारी वर्किंग लेंथ है 21 mm, 22 mm, जो भी आप लेते हैं, अलग अलग टूथ की अलग अलग होती है। तो फिर हम इंस्ट्रूमेंटेशन शुरू कर देते हैं। सभी फाइल्स का जो स्टॉपर है उसको आप एंडो स्केल से मेज़र कर लें, जितना भी आपका वर्किंग लेंथ आया उतना मेज़र कर लें, और फिर BMP करना स्टार्ट करें। तो BMP करने के लिए इस मोशन में आपको BMP करते जाना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड पुल। बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन, क्लीनिंग एंड शेपिंग करने की बहुत सारी मेथड्स होती हैं, उन मेथड्स पे हम अलग वीडियो लेकर आएंगे। अभी आपको हम इसमें जनरली समझा रहे हैं कैसे आपको करना है। तो ये आप ध्यान रखें कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड पुल, इस मोशन में आपको फाइलिंग करनी है। तो ये 15 नंबर की फाइल है, आप इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पुल, जितना भी हमारी वर्किंग लेंथ है ऐसे फाइलिंग कर दीजिए, ऐसा आपको फाइलिंग करनी है। दोनों कैनाल में आप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इरिगेट कर देना है, जैसा हमने बताया, नॉर्मल सलाइन या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट से इरिगेट कर देना है, तो जो भी डेब्रिस वगैरह हैं वो बाहर आ जाएंगी। और ध्यान आपको ये रखना है कि कोई भी फाइल का नंबर आपको स्किप नहीं करना है, आपको सीक्वेंस से इसको यूज करना है। 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 30, 35, फिर 40। जरूरी नहीं है कि आप 40 तक ही करें, आप इससे कम भी कर सकते हैं और इसको ज़्यादा तक भी ले जा सकते हैं। अगर 40 नंबर तक आप फाइलिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेस हमको मिल जाता है। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, सबसे पहले आपको 15 नंबर की फाइल से स्टार्ट करना है। 15 नंबर की फाइल से हम 15 नंबर की जो के फाइल है उसको यूज़ करेंगे, फिर 15 नंबर की एच फाइल। आप सिर्फ के फाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा यूज़ करते हैं 15 नंबर की के फाइल, फिर एच फाइल, फिर 20 नंबर की के फाइल, फिर एच फाइल, तो इससे प्रिपरेशन और अच्छा होता है। और आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी नंबर स्किप नहीं करना है। तो ये आपको हमने BMP बता दी, बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन या फिर क्लीनिंग एंड शेपिंग ऑफ रूट कैनाल्स भी इसको हम बोलते हैं। और जब हमारी क्लीनिंग एंड शेपिंग कंप्लीट हो जाती है तो सेकेंड विजिट में हम क्लोज ड्रेसिंग देते हैं। क्लोज ड्रेसिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन क्लोज ड्रेसिंग हम तब देंगे जब पेशेंट को दर्द नहीं है। अगर पेशेंट को दर्द बना हुआ है तो हम उनको फिर से ओपन ड्रेसिंग देकर रिकॉल कर लेंगे। ओपन ड्रेसिंग आपको मैंने बता दी थी, एक कॉटन का बॉल बनाना है और KVT में प्लेस कर देना है। अब क्लोज ड्रेसिंग में आपको बता देता हूँ, क्लोज ड्रेसिंग के लिए आपको एक छोटा सा कॉटन बॉल बनाना है, इसको आप ये जो कैविटी है हमारी इसमें प्लेस कर देंगे। इससे जो हमारी कैनाल्स हैं
कैनाल ओपनिंग्स जो हैं वो बंद हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। इसके बाद हम टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल लेंगे थोड़ा सा, और इसको हम कैविटी में कॉटन के ऊपर प्लेस कर देंगे। जो टेम्परेरी मटेरियल है उसको हमको डायरेक्ट नहीं डालना है, पहले हम नीचे कॉटन डाल देंगे जिससे हमारी कैनाल ओपनिंग्स जो हैं वो सेफ़ रहेंगी। जो टेम्परेरी मटेरियल है वो कैनाल्स में नहीं जाएगा तो हमको अगली बार क्लीन करने में आसानी होगी। तो ये क्लोज ड्रेसिंग हो गई, यहाँ पर हमारी जो सेकेंड विजिट है वो एंड हो जाती है। फिर हम पेशेंट को रिकॉल कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट विजिट में पेशेंट को तब भी पेन बना हुआ है तो हम फिर से बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन करते हैं, फिर से क्लीनिंग एंड शेपिंग करते हैं, और जब पेन एंड हो जाता है तब हम ऑब्चुरेशन करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने देखा कि बीएमपी हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्चुरेशन समझेंगे, रूट कैनाल को कैसे ऑब्चुरेट करते हैं हम ये समझेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि और किन टॉपिक्स पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।